नमस्कार, मैं हूं प्रभु चावला। सीधी बात में आज बारी है राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की। लालू की रिमोट कंट्रोल पर चलने वाली राबड़ी सरकार के अफसरों को हाल ही में पटना हाईकोर्ट ने धृतराष्ट्र ठहराया है। आखिर क्यों नहीं रोक पा रहे हैं लालू बिहार वासियों का चीरहरण? उनके विरोधियों की माने तो लालू आजकल सरकार चलाने में कम और कांग्रेस पार्टी चलाने में ज्यादा दिलचस्पी दिखा रहे हैं। कांग्रेस विरोध से राजनीतिक करियर की शुरुआत करने वाले लालू आज कांग्रेस एजेंट की भूमिका में क्यों उतर आए हैं? इन्हीं सभी मुद्दों पर आइए आज करते हैं लालू प्रसाद यादव से सीधी बात। लालू जी, आपका स्टूडियो में स्वागत है। आप अपने आप को कृष्ण का वंशज मानते हैं और अभी हाईकोर्ट ने कहा है कि द्रौपदी का चीरहरण आपके प्रदेश में हो रहा है, कृष्ण ने तो जैसे बचाया, तो आप क्यों नहीं बचा पा रहे? बात लोग समझ नहीं पाते। हाईकोर्ट ने ऐसा कुछ नहीं कहा है। डीजी पुलिस बिहार के एक पीआईएल के दौरान ये बातें मिसकोट की गई है अखबारों से और जज के मुंह से। जज ने ऐसा नहीं कहा। जज ने ऐसा डिनाई तो नहीं किया, उन्होंने क्या कहा? मैं बता देता हूँ, बात को सब लोगों को मालूम हो। डीजी पुलिस ने अपने दूसरे प्रोग्राम में, कहीं प्रोग्राम में, अपने पुलिस कर्मियों को ये कहा कि इतनी आबादी में भले तुम्हारी संख्या कम है लेकिन तुम्हारे सामने कहीं अपराध हो रहा, तुम चुपचाप बैठे हुए हो और लोगों के साथ परेशानी होती है तो चुपचाप बैठे देखो। चुपचाप बैठने की नहीं, नहीं बैठने का जो डीजी पुलिस ने बयान दिया, तो उन्होंने माना कहीं भी ये परव्यू में हाई कोर्ट के जज के ये बात थी नहीं जी। वहां पर एडवोकेट जनरल बिहार सरकार ने कहा भी कि इनका संदर्भ दूसरा है, अपने पुलिस कर्मियों को लथाड़ रहे थे और ये बात ऐसी बात नहीं है, तो उन्होंने कह दिया, लिख दिया कि ये डीजी पुलिस ने ऐसा कहा है कि द्रौपदी का चीरहरण हो रहा है, हम टुकुर टुकुर देख रहे हैं। तो ये कोई संदर्भ सरकार के, और आजकल तो यहाँ भी अफसर लोगों को जुमन में आता कहीं कुछ से कुछ। जज साहब ने कोर्ट किया ना डीजीपी को, ये बात बोली, लेकिन सरकार के ऊपर और बिहार की जनता के ऊपर ऐसी कोई बात कही हो? एक डीजीपी के, डीजीपी पुलिस के उस वक्तव्य को वहां पर कहा गया। अधिकारी तो सरकार है ना लालू जी, तो सरकार है। सरकार ने तो अफसरों को स्पष्ट हिदायत दिया है कि परहेज करिए मीडिया में जाने का। आजकल जो अफसर हैं कहीं भी जाके नेता खड़ा होना शुरू कर रहे हैं। डीजीपी खुद कह रहे हैं कि पुलिस अफसर चुपचाप बैठे हैं। आपको क्या लगता है कि आपके अफसर क्या सारे अर्जुन हैं, धृतराष्ट्र कोई नहीं है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। हमारी पुलिस, बिहार की पुलिस, आपको मालूम होगा कि विद द कंपैरिजन ऑफ द अदर स्टेट, अन्य राज्यों के पुलिस के तुलना में आपके यहाँ पहले हमारे यहाँ जो भी जो जब जब थ्रेट आया है इस देश पर और उस राज्य में, तो जो हमारे साथ सद्भावना बनाने में पुलिस को जो भी जॉब दिया गया, पुलिस ने पूरी बहादुरी के साथ वहाँ काम किया। लोग काम करते हैं, हाँ, जितनी हमारी जनसंख्या है उस रेशियो में हमारा पुलिस बल बहुत कम है। आपके आंकड़े तो कुछ और ही बताते हैं। आपके पुलिस यूनिट का अध्यक्ष कहता है उसके ऊपर ही हमला हो गया वहाँ तो? नहीं, पुलिस का जो अध्यक्ष है वो अपने खुद लिटिगेशन में फंसा हुआ है वो। आपकी पुलिस तो आपको नहीं बचा पा रहे कि आपको कहां से बताएगी? पुलिस मेंस एसोसिएशन का जो अध्यक्ष है मिस्टर सिंह, वो खुद एक मर्डर केस का एक्यूज है और उसके घर के अंदर कोई भी हो सकता, पॉलिटिशियन होते हैं, पत्रकार हो सकते हैं, कोई भी हो सकता, उसको बंद नहीं कर पा रहे। नहीं नहीं, उनके अपने आपस के झगड़े हैं। मर्डर का अक्यूज आप कह रहे हैं तो उसको बंद नहीं कर पा रही ना आपकी सरकार? कार्रवाई हुई, जेवाजिन जेल से छूट गया और जेल से बाहर आया। उनके अंदर के अंदरूनी झगड़े हैं इनके, इसलिए पुलिस मैन सर पुलिस पर हमला, पुलिस पर रोज हमला हो रहा है इस देश में। लालू जी, आपने पुलिस पर रोज हमले हो रहे हैं, आप बताइए हमारे यहाँ पुलिस पर कोई हमले हुए हो? ये तो पुलिस मेंस एसोसिएशन का, जिनका अपना आपस का झगड़ा, मैं गया था देखने के लिए और वो पहचानता भी है, जमीन का लिटिगेशन है उन लोगों का। तो इसमें हमारी, हम कह दें कि पुलिस पर हमला हमारा हो गया, कोई कानून नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है। लालू जी, आप पहले कह रहे हैं कि जज ने मिसकोड कर दिया डीजीपी को, फिर पुलिस वाले मर्डर केस में फंसे हुए, तो आपको क्या लगता है बिहार में कोई रामराज का? नहीं नहीं, रामराज, रामराज का मतलब क्या होता है? शांति, जिन लोगों ने रामराज का सपना दिखाया था, जिन्होंने दर्शन दिखाया था, जिन्होंने राम का नाम लिया था, जिस पॉलिटिकल पार्टी ने
मेरा मेरे का मतलब है भारतीय जनता पार्टी उनका फ्रंटरनर है ये जो राम का नाम लेकर के और रावण से भी बढ़कर के नीच काम इन लोगों ने किया है। तो हमारा कहना राम राज का मतलब हो, कोई नहीं ज्यादा ऊंचा हो न कोई कम हो, गैर बराबरी नहीं और ये सारी बातें हो। तो हम ये नहीं कहते कि हमारे राज में घटनाएं नहीं घटती है, लेकिन विद्युत कंपेरिजन अब चाहे रेप कर लीजिए, हरिजन एटोसिटी का लीजिए या कामनल सवाल पर आप लीजिए, ये देश जल रहा है जहाँ राम के रखवालों का कि आज इनके देखरेख में ना तो मंदिर सुरक्षित है और न मस्जिद न गिरजाघर गुरुद्वारा न दिल्ली सुरक्षित है। दीपावली हो, अभी रघुनाथ मंदिर हुआ जम्मू कश्मीर, रघुनाथ मंदिर में तो आपकी सरकार है जिसके समर्थक आप हैं। देखिए किसी की सरकार का सवाल नहीं है, आप नाम आप इसके लिए जिम्मेवार कौन है? मेरा मानना है आपको लगता है जिम्मेवार कौन है? अक्षरधाम मंदिर हमारा सबसे उच्चतम मंदिर हमारा सेकुलर मंदिर, वहाँ हमले हुए। ब्रह्मा जी का जहाँ मंदिर है वहाँ पर लोगों के पॉकेट चेक किए जा रहे हैं। तो स्थिति आतंकवादी हमलों में लालू जी और अंदरूनी हमलों में फर्क तो है ना, आप समझते हैं ना कि बाहर पाकिस्तान, आप मानते हैं जो आतंकवादी हैं पाकिस्तान से मिले हुए हैं कि नहीं? जो रघुनाथ मंदिर पे हुआ या जो अभी जम्मू में हुआ उसके पीछे लोग सरकार में क्यों है? ये लोग सरकार में क्यों बैठे हैं? सारे देश का सैनिक विगत 6 महीना से 7 महीना से बॉर्डर की रखवाली करते रहा, जितनी पुलिस हमने लगाई इलेक्शन में, व्यक्ति व्यक्ति पुलिस लगा के हमने चुनाव कराया जेएनके में, आपका सारा पैसा खर्चा हो रहा है, सारे देश का फोर्स विड्रॉ करके सीमा पर लगाया गया, आपके पास साई भी है, सब थ्रेट का खबर रहता है। आपकी बात भी ठीक है, बिल्कुल ठीक बात है। मैं आप पहुंच जाता, आपने बात उठाई है कम्युनल वायलेंस की, एक कह देना कि पाकिस्तान से आ गया, तुमने आने क्यों दिया? तुम्हारी ड्यूटी क्या है? ये क्यों आए, क्यों इजाफा हुआ, क्यों इस शासन में बढ़ा इस तरह का इजाफा हुआ लोगों का? आज न तो हिंदू सुरक्षित, न मुस्लिम, न सिख, न ईसाई, आज लोग सहमे हुए हैं मंदिर। लालू जी एक बात मेरे को अभी बोलने दी, आपने जो शुरू किया अपना आंदोलन, जयप्रकाश के आंदोलन की आप पैदाइश हैं, उसके बाद दलितों का एजेंडा आपने उठाया, सडनली ये मेरे को लगता है कि आप जो है अपने मूल सिद्धांतों को भूल कर सारे वो काम करने लग गए जो एक अपर कास्ट के लोग करते हैं। नहीं, मैं तो वही काम कर रहा हूँ जो जेपी का, देखिए जेपी का जो आपने अपने घोड़े का नाम चेतक रख दिया, राजपूत का नाम रख दिया आपने, बात तो सिर्फ घोड़ा का रख दिया चेतक, हाँ चेतक राजपूत का नाम है ना, राजपूत का नहीं राजपूत महाराणा प्रताप का, महाराणा राजपूत थे ऐतिहासिक हमारे, ठीक है राजपूत हमारा स्थान और सम्मान का प्रतीक, राणा प्रताप चेतक बींग ए हॉर्स बींग एनिमल, उसने मनुष्य भी बढ़ चढ़ करके राणा प्रताप का साथ दिया, ये हमारा इतिहास है। तो हम अगर छोटा बच्चा घोड़ा रखे हैं तो हमने उस मेमोरी में नाम रखा। आप अपने आप को राणा प्रताप मानते हैं? क्यों मानते हैं, हम राणा प्रताप हमारे देश का आपके वो हीरो हैं? हीरो है निश्चित रूप से राणा प्रताप आपके, बिल्कुल इस देश के हैं, लाखों करोड़ों के हैं, इसलिए आपने घोड़े का नाम चेतक रखा। उनके घोड़ा था, घोड़ा ने साथ दिया, घोड़ा जब जब महसूस किया चेतक ने कि खतरा होने वाला है, समझ गया कि आगे बढ़ने वाला है, तो उसने सहयोग किया। राणा प्रताप तो अकबर से लड़े थे, आप किससे लड़ेंगे आप? हम लड़ रहे हैं सांप्रदायिक ताकतों से लड़ रहे हैं, ये जो सांप्रदायिकता है जो हमारी बुनियाद को खत्म कर रहा है, हमारी नींव को खत्म कर रहा है, ये सोकल जो आरएसएस है, ये बजरंग दल है, ये नकली लोग हैं, ये देश को छत विछत करके देश के हमारे सारे चाहे राम हो, भगवान हो, खुदा हो, मंदिर हो, मस्जिद हो, गिरजाघर को द्वारा बात आपकी बिल्कुल सच है जो कहने कम्युनलिज्म पिछले 10 साल से जो आपने आप चेंज किया ट्यून, इसके अलावा कभी आर्थिक मुद्दों पर जैसे आप, मैं बिहार की तरफ वापस जाना चाहता हूँ, बिहार आपके 12 साल से आपका राज चल रहा है, वहां पर मैंने कहा कि अभी आपको घोड़े पालने का शौक हो गया, क्रिकेट के आप अध्यक्ष हो गए, तो आप तो गरीबों की राजनीति करते थे, ये अमीरों के खेल आपको कहां से पैसे लगने लगे? खेल नहीं है, अमीरों के मन में एक उदासी थी, लोग बोलते थे कि लालू यादव गुल्ली डंडा की बात करता है, लालू यादव कबड्डी की बात करता है, लालू यादव गांव गांव के लोगों का नाच पसंद करता है, ये एलिट खेल को लोग बोलते हैं एलिट और संभ्रांत लोकप्रिय खेल का लालू विरोधी है। अब ये क्रिकेट लोकप्रिय डिफेंसिव पे हो गया, मतलब आपको लगा कि क्रिकेट खेलना चाहिए, नहीं घोड़ सवारी करनी चाहिए, घोड़सवारी पोलो खेलेंगे? ना तो पोलो वाला मैं हूँ और न घोड़ा का सवारी करने वाला मैं हूँ, हमारे पास एक सा गाय है और उस गाय के झुंड में घोड़ा रखना कैंपस में हमारा जरूरी है, जहाँ घोड़ा हिन हिन आता है
जहाँ घोड़ा का टाप बजता है वहाँ भूत बैताल नहीं रहता। जब से हम घोड़ा रखे हैं, नहीं जब से हम घोड़ा हमने रखा है छोटा बच्चा को, दो बच्चों को, आपने पॉलिटिकल लैंग्वेज सुनी, हॉर्स ट्रेडिंग होती है, आपको भी शौक होगा। दो घोड़ों को जब हमने पालना शुरू किया, पहले हमारी गैया मर जाती थी, हर महीने गाय मर जाती थी, लेकिन जब से घोड़ा आया और घोड़ा आया है तब से हमारा न तो कोई गाय मर रही है न कोई हो रहा होता। जब से आपसे हॉर्स ट्रेडिंग शुरू किया सबसे सुख चैन है। आपकी भूताल और आपकी भूचर राजनीति से बातचीत करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। सीधी बात में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम बातचीत कर रहे हैं राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी से। लालू प्रसाद जी, बिहार की बात छोड़िए, आपकी जो सेंटर में राजनीति दिखाई देती है, आप मुलायम सिंह यादव और अब इकट्ठे थे, रामविलास पासवान इकट्ठे थे, तो अब ये लगता है कि कांग्रेस के समर्थक ज्यादा और मुलायम के दुश्मन ज्यादा है। नहीं, बात यह है, बात सबको मालूम है, हम आज भी पक्षधर हैं। जैसे रामविलास जी का आपने नाम लिया, रामविलास जी, नीतीश कुमार जी, शरद यादव जी, ये सब एक ही परिवार के हम लोग थे। हमारी आइडियोलॉजी, हमारे सिद्धांत, दोहरी सदस्यता के सवाल पर हमने जनता पार्टी का विखंडन किया था राजनारायण जी के साथ। फिर क्या हो गया? बात अभी ऐसे लोग हैं, लालू जहां था वहां है, लेकिन ये कांग्रेस विरोधी था, वहां तो नहीं है। मैं बता रहा हूं ना, आप बात सुनिए, मैं कांग्रेसी तो नहीं ना हो गया, लेकिन आज इस देश में मैंने देखा, चाहे जॉर्ज फर्नांडिस जी हो, ये सारे के सारे लोग अपने सिद्धांतों को तिलांजलि दे करके सांप्रदायिक ताकतों के दरवाजे पर जाके हाजिर हो गए, लेकिन लालू यादव जहां और हमारी पार्टी थी, मैं अकेले रहा, इसलिए आप कांग्रेस में गए। अब हमारी अब जरूरत है, हम इस देश में हम देख रहे हैं कि सांप्रदायिकता इस देश पर शक्तियां सबसे बड़ा खतरा है, सांप्रदायिकता कोड है, देश को तहस नहस करने वाली पार्टी है, और हम लालू यादव, मुलायम सिंह यादव या रामविलास पासवान, ये तो सब जगह नहीं आपके राज्य में। कांग्रेस एक आंकड़ों की बात कर रहा हूं, कांग्रेस दंगे जो है आपके राज्य में कम हुए, बाकी सारे हिंदुस्तान में कम हुए, सिवाय गुजरात के छोड़कर के, सांप्रदायिक दंगे पिछले चार सालों में बहुत कम हुए इतिहास बताता है। तो आप सांप्रदायिकता कहां फैल रही है? बात सुनिए, बाबरी मस्जिद को गिराया जाना, देश की नींव को गिराया जाना, गिरी थी तब तो सरकार, आज सवाल कांग्रेस की थी। देखिए गुजरात का जो सवाल है, गुजरात में ये प्रयोग हुआ है, प्रयोग हो रहा है, एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है, तो मैं ये बता रहा था कि ये लोग चले गए अपने जगह पर चले गए। कांग्रेस पार्टी नीड ऑफ द आवर इस समय की पुकार है कि ऑल इंडिया पार्टी है कांग्रेस। कांग्रेस के राज्य में दंगे नहीं होते ना, हमने लड़ा, कांग्रेस पार्टी के विगत दिनों में भी दंगे हुए, इसका ये मतलब नहीं कि जिनके चेहरे दर पर दर्द, ये बीजेपी का और आरएसएस का दर पर दर्द, जो फासिज्म का जो जामा पहन के बैठी हुई है और इस देश के बुनियाद को टुकड़ा टुकड़ा कर रही है, तो गड़िया जैसा नेता बेलगाम देश में आग लगाने का काम कर रहा है। सिद्धांत ऐसे समय में हमने कांग्रेस के साथ समर्थन करने लालू जी, का आप कह वादा किया। आपने कहा कि वो लोग चले गए, वो तो वहीं कांग्रेस विरोधी बने हुए हैं, आप कांग्रेस की झोली में चले गए, आपके विरोधी कहते हैं आप कांग्रेस के बड़े एजेंट हैं, आज बिहार में ए टीम कांग्रेस की आप हैं, बाकी देश में बी टीम है आप। ये कहना ये बिल्कुल है ना, इसे जो लोग ये बोलते हैं, लालू यादव उन चीजों से घबराता नहीं है, क्योंकि हम राजनीति हम जन्म से आपकी सरकार बिहार में है। उनके मर्जी से चल रही है बिहार में, कोई मर्जी का सवाल नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने आगे आकर के, आपको याद होगा, चाहे राष्ट्रपति शासन लागू करने का काम हुआ, सांप्रदायिक कांग्रेस की टीम है कि नहीं बिहार में? हम एक साथ हैं, कांग्रेस की टीम बड़ा पार्टी कर रहे हैं, हम बड़ा पार्टी है वहाँ बिहार में, जैसे बिहार में बड़ी पार्टी है। हम धन्यवाद देते हैं कांग्रेस पार्टी को और विशेष करके सोनिया गांधी जी को। आपने कांग्रेस को खत्म किया था वहाँ? खत्म कांग्रेस के खिलाफ लड़े हम लोग, मैं तो मानता हूँ, तो अभी कांग्रेस रिवाइव कर रहे हैं, खिलाफ लड़े, लेकिन आज वो कांग्रेस नहीं है जो आज कांग्रेस है। इसलिए हमको कांग्रेस अच्छी है, एक नंबर का हमारा शत्रु, इस मुल्क का शत्रु, लालू का नहीं, ये देश के करोड़ों का शत्रु ये भारतीय जनता पार्टी और उनका रामलीला मंडली है। इसलिए हमको कांग्रेस को, हम जब भी हम कुवत में हम आएंगे, आपने सोनिया जी के बारे में जो पार्लियामेंट में कहा और बाहर का 1990-91 में, वो सब पढ़ा जा चुका है, आपको लगता है सोनिया जी वो अब बदल गई है उस वक्त से? आप सोनिया गांधी के विषय में क्या कहा है? आपने जब राजीव गांधी और सोनिया गांधी जब 1987-88 जो आपने भाषण दिए, पोलिटिकल पार्टी इन पावर जो भी नेता होते उनके विषय में कहा जाता, तो आज दूध की राजीव गांधी जी नहीं है, इंदिरा जी नहीं है,
हम लोग लड़े हैं इंदिरा जी से, सवालों पर, विचारों पर आंदोलन किया। इसका ये मतलब नहीं कि हम बीजेपी को चलने दें। आपने सारे देश में कांग्रेस को और सोनिया गांधी को अपना नेता मान लिया। हमने कहा समर्थन करेंगे उनको, प्रधानमंत्री बनवा के रहेंगे। ताकत आएगी तो बनाएंगे हम उनको प्रधानमंत्री बनाएंगे। दिया है लिख करके, पहले भी लिख कर दिया। हम बैकआउट करने वाले नहीं। मतलब लालू का बिहार और देश कांग्रेस का? बिल्कुल बिहार का सवाल ही नहीं, हमारा पूरा देश। हम कांग्रेस पार्टी को सोनिया गांधी जी, चाहे सोनिया गांधी बने, जिसको बनाएगी, हमारा पार्टी का समर्थन रहेगा। ये हाथ में नहीं कहता हूँ। नहीं, आपने अभी कल रामविलास जी के यहाँ चले गए, आपने रामविलास के खिलाफ चुनाव लड़ा बहुत, उनको आपने गालियां दी चुनाव के अंदर। रामविलास जी हमारे बेटी की शादी में गए, सारे लोग गए। ये तो कर्सी मैनर है, एक पॉलिटिकल हेल्दी एटमोसफेयर दुश्मन क्या भी जाना चाहिए। तब आप नीतीश और जॉर्ज चुनने यहाँ कब जाएंगे? किनके यहाँ? नीतीश के यहाँ, जॉर्ज के यहाँ, इन लोग यादव के यहाँ कब जाएंगे? इन लोग यहाँ कोई ऐसा अवसर नहीं आने वाला है। अब इनके यहाँ भी अब कोई शादी न ब्याह न कोई चीज हम तो देखते नहीं। जरूर बुलाएगा लोग, कोई फंक्शन होगा निश्चित रूप से जाएंगे, सोशल फंक्शन में जाएंगे। बिल्कुल जाते। इनको इकट्ठा नहीं करने की कोशिश करेंगे आप? अभी इकट्ठा अपने इकट्ठा जनता कर देगी लोगों को। नहीं, आपको क्या लगता है कि अभी हमें लगता है कि ये सत्ती हो चुके हैं और इन सत्ती को मतलब ये एकदम वो सत्ती हो गए पूरे के पूरे, लकड़ी पर पड़े हुए हैं। डेड बॉडी इनका प्राण धुक धुक कर रहा है। निश्चित रूप से रियलाइज करें, समझेंगे। अब देश की जनता ये सारी बात वो पता क्या कहते हैं आपके बारे में कि आप तो अभी तक वंशवाद था, कुछ था, आप तो पत्नीवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। ये लोग क्या बोलेगा? मैं इन चीजों को छेड़छाड़ करना मैं नहीं चाहता हूँ इस माध्यम से। राबड़ी देवी ठीक है, हमारी पत्नी है, रिमोट लोगों ने, आपका है ना? लोगों ने बनाया, आपने बनाया, ठीक है, हमने कंसेंट दिया, बना दो। जो समय था, जो संकट था, जो बातें थी, जो हालात किए गए हमारे साथ, और राबड़ी देवी चारा घोटाला नहीं, चारा घोटाला हमको फंसा दिया गया, जो फंसाया लोगों ने और बेवजह फंसाया। ये वो लोग फंसाए जिनको हमने बनाया, ये वो लोग फंसाए जो बुरी तरह से फंसे हुए हैं। 12 साल पहले लालू प्रसाद यादव की सरकार बनी थी, बिहार की हालत खराब थी। आज 12 साल पहले बाद उससे भी बदतर है। आपको लगता नहीं कि जो एक सपना आपका था वो टूट गया? ये प्रचार है, ये दुष्प्रचार है। सड़कें लालू सड़कें हेमा मालिनी की गाली की गाली तरह हो गई। फिर सड़कों पर आइए प्रभु भाई, मैं आपको बताता हूँ। पावर लालू और राबड़ी का राज आया। 12 साल में आपने क्या दिखाया वहाँ? मैंने दिखाया जो बता रहा हूँ। एक तो जो हमने कसमें खाई थी सोशल जस्टिस का, कॉम्युनल हार्मनी मेंटेन करने का, और लालू और राबड़ी का राज आया कि पहली बार गरीबों के गांव और खेत खलिहानों में ईंट गया, रोड गया, पुल और पुलिया गया। भागलपुर में गंगा नदी पर पुल बनाया करोड़ों अपने लागत से, रेवा घाट पर बनाया। बिल्कुल झूठ बोलते लोग आपके खिलाफ। 15 लाख परिवार को, दलित पिछड़ों को उस मतलब पक्का हाउस इंदिरा आवास के एक लाइन में बताइए, अगर सारे देश से कंपेयर की जाए 12 साल में राज, एक सेंटेंस में आप बताएं, एक उपलब्धि बता दीजिए। अगर आपने सारे देश के अंदर आंकड़े नापे जाएं, पर कैपिटा इनकम का ग्रोथ आपका कम है, पावर प्रोडक्शन आपकी कम है, आपके यहाँ एजुकेशन ग्रोथ कम है, अगर नेशनल फिगर लिए जाए एवरेज कम है, अगर आप लालू और राबड़ी के राज में वहां पर ऐसी क्या चीज हुई जिसके ऊपर आपको घमंड है? ये हर फ्रंट पर हमने अचीवमेंट किया है। जो बिहार हमको मिला था, कंगाल बिहार, चूसा हुआ बिहार, बिहार छोटा हो गया, छोटा हुआ बिहार। अब बात सुनिए, हाँ जी, ये तो डिटेल की बात है। और जो बिहार बुरा था, एक सारा क्राइम खत्म हो रहा, आखिर 50 साल का जितना भी ऑड्स है, हम लोग इनसेबल हो रहे हैं। लेकिन हमारा बिहार बटने के बावजूद भी आज बिहार अन्न के मामले में, भोजन के मामले में आत्मनिर्भर है। वही नहीं, सद्भावना के क्षेत्र में आज बिहार में डंके बज रहे हैं। लालू जी, सारे देश आपके सरकारी कर्मचारी आत्महत्या कर रहे हैं, झूठ बात है ना, प्रोपेगेंडा है। नहीं, बिल्कुल प्रोपेगेंडा। अंडरटेकिंग जो कॉरपोरेशन से, जिसको सरकार की जिम्मेवारी नहीं है, जो पंगू और जर्जर एंड व्हाइट एलिफेंट हमारे हाथों में मिला था, कोई बीमार से मर गया, बोल दिया कि मर गया,
ब्लडलेस मर्डर तुम्हारा आपको होता है 12 साल के अंदर लालू जी राबड़ी जी ने बिहार को एक सोने की चिड़िया बना दिया। नई दिशा दी है, सोने की चिड़िया बना दिया आपने। चिड़िया नहीं बनाया, जो सोने की चिड़िया को छीना गया था उस चिड़िया को वापस लाने का अथक परिश्रम कर रहे हैं। अपने कुवत से कोई रिसोर्स नहीं मिलता हमको दिल्ली से, लालू जी साधन नहीं मिलता। ये सीधी बात के दर्शक तय करेंगे कि आपने सोने की चिड़िया को ऊपर बनाया कि नहीं बनाया। तो जनता हमको आपने स्टूडियो में आए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। थैंक यू। तो ये थी आज की मुलाकात। अगले हफ्ते आज ही के दिन फिर आएगी बारी एक और हस्ती की, जिससे हम करेंगे सीधी बात। इंतजार कीजिए तब तक और देखते रहिए आज तक।